तो हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जस्ट वन। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अगर आपके एलईडी में किसी भी तरह से सेफ मोड लग जाता है, कई बार एलईडी में सेफ मोड आ जाता है, अगर आपके एलईडी में सेफ मोड कहीं भी आता है, इधर कोने में या नीचे, ऐसे मेरी एलईडी में आप देख सकते हैं, इस एलईडी में यहाँ कोने में या इस कोने में सेफ मोड आ रहा है, तो आप इस सेफ मोड को कैसे हटा सकते हैं। आप अपनी एलईडी को डायरेक्ट स्विच से 4-5 बार बंद कर सकते हैं, बंद करके ऑन करने 4-5 बार आपको सेफ मोड हट सकता है। अगर उससे नहीं हटता है तो मैं आपको बताता हूँ उससे दूसरा तरीका। अब अगर अपने एलईडी से अगर कोई किसी माउस को अगर कनेक्ट कर लेंगे तो उससे फ़ायदा होगा, आप आसानी से काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने एलईडी की सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद में आप देखिए, आप अपने किसी भी तरीके से इसको रीसेट मार सकते हैं। आप जैसे हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं सिस्टम रिकवरी, सिस्टम रिकवरी पर गए और उसके बाद में रिकवरी कर दी। इस पर हमने रिमोट से ओके कर दिया, ऐसे हम दिखा रहा फैक्ट्री डाटा रीस्टार्टिंग। देखिए आपकी एलईडी यहाँ पे एक बार बंद होगी और फिर बंद होकर खुद चालू होगी, जैसे हमारे फ़ोन रीस्टार्ट होते हैं वैसे ही एलईडी रीस्टार्ट होगी। ऑन करने के बाद में देखिए आप एलईडी ऑन हो चुकी है, वाईफाई हमारा कनेक्ट नहीं है अभी, और आप देख सकते हैं ये सेफ मोड किसी भी कोने में नहीं है, सेफ मोड हमारा हट चुका है। तो आपको सेफ मोड हटाने के लिए यही बस प्रोसेस फॉलो करना है। तो आपको सेफ मोड हटाने के लिए यही प्रोसेस फॉलो करना है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना।